कुछ नहीं, हम नॉर्मल पोस्ट जैसे रहता है, कुछ भी पोस्ट था। और जैसे मैं नरेंद्र मोदी फैंस क्लब, नमो गैंग ग्रुप, ये सब है, इंडियन आर्मी, ये सब मैं जुड़ी हुई फेसबुक पे ही। ये सब ग्रुप मैंने ज्वाइन करके रखा है, तो उसी में जो पोस्ट आता है ना, ग्रुप से ही मैंने पोस्ट को स्क्रीनशॉट लिया जो मुझे अच्छा लगा, और उसको मैंने पोस्ट कर दिया। तो पोस्ट करने के बाद रोहिंग्या मुसलमान भी था, जैसे बता दे रहे मुसलमान क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, रोहिंग्या पे था, तो रोहिंग्या मुसलमान को हम बोले, तो मुसलमानों ने कंप्लेन कर दिया और मुझे धमकियां देने लगे कि तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो, गालियां देने लगे और मेरे इनबॉक्स में मैसेज में बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करने लगे, एंड कमेंट्स भी बहुत गंदे गंदे किए गए हैं, मेरा आईडी में चेक कर सकते हैं, और धमकी देने लगे। और उसके बाद यहाँ से पिछौरिया से अंजुमन कमेटी ने कंप्लेन किया कि हम किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए हैं, आपत्तिजनक पोस्ट किए, जबकि मेरा कोई पोस्ट आपत्तिजनक नहीं था। हमने उसके सुना बाद कि तुरंत अदालत ही मुझे ने आपसे कार्रवाई की कहा गई और जेल भेज दिया गया। आपने गलती की है, आप कुरान बांटिए, जमानत चाहिए, आपने मना कर दिया। मना हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि वो आदेश दिए तो हम ऐसे डायरेक्ट मना कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी इस तौर पे मेरे पास नहीं आया कि हमको बांटना है कुरान की 5 पर्दियां या 15, जो भी हमको बांटना है। अगर लिखित आता है मेरे पास तो उसके लिखित बाद ही आएगा, हम जनता से बात करके लिखित आगे आएगा जाने तो का सोच आप रहे बांटेंगे, हैं। अपील करेंगे आगे। हाँ, कर सकते हैं, इसके खिलाफ अपने अधिवक्ता से बात करके हम आगे का रास्ता निकालेंगे। मेरे पास अधिकार है ना करने का, तो हम कर सकते कर हैं। सकते हैं। कितने दिन जेल में रहना पड़ा आपको? नहीं, अभी नहीं किया है, अभी नहीं किया है। कितने दिन जेल में रहना पड़ा? अभी मेरे पास लिखित 2 दिन, अच्छा, 2 दिन आपको जेल में रहना पड़ा। हाँ, शुक्रवार को गए थे और सोमवार को वहां से हम लीज हुए शाम में। आपको लगता नहीं आपके ये पोस्ट शेयर करने से समाज में गलत असर हो सकता था? गलत असर तब होता है जब मेरा पोस्ट गलत रहता, तो हम गलत पोस्ट नहीं किए तो गलत असर कैसे होगा, लेकिन अगर इसको गलत तरीके से बताया जा रहा है तो गलत असर हो सकता है। आपको लगता आपने सही किया? और हम पोस्ट को शेयर किए हैं, हम खुद, मेरा पोस्ट क्या जो है वो मेरा खुद का पोस्ट नहीं है, वो कटिंग पेस्ट है, ग्रुप से लिया हुआ ठीक है ये सब, मेरा पोस्ट नहीं है, हम बस शेयर किया, पोस्ट भी नहीं किया है। और जो पोस्ट किया अगर ऐसा है, तो जो पोस्ट किया रियल उसका है, पोस्ट करने वाला, तो कार्रवाई तो उससे होना चाहिए ना, तो हम क्यों जिन इसमें लोगों ने जेल गए आपको हैं। धमकाया, आपको गाली दी, आपने जो बातें अभी कही हैं, उन पे आपने एफआईआर की बराबर में? और मेरा कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं था, और हम पोस्ट नहीं, हम शेयर किए थे, पोस्ट किसी और का था, हम उसको बस शेयर किए हैं, तो हमसे पहले तो वो जाएगा, उससे कार्रवाई होनी चाहिए ना, जिन्होंने सच में पोस्ट किया है वो चीज को। नहीं, लेकिन जिन लोगों ने आपको धमकाया, गाली दी, आपने उन पे एफआईआर की, आपको कुछ अपनी पोस्ट में तो खामी लगती नहीं, चलिए मान लिया हमने। नहीं, हम ऐसा नहीं बोले, हम जज पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो जो डिसीजन लेंगे हमको मानना ही होगा, चाहे मतलब हमको हर हाल में मानना रहेगा, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन है, पहले तो लिखित तौर पे आया नहीं है कि हमको बांटना है, और जो भी कहा गया मौखिक कहा गया लिखित पे आया होगा, तो मेरे पास अभी तक नहीं आया है, ना ही मेरे लॉयर के पास आया है, तो जब आ जाएगा तो उसके बाद आगे का सोचेंगे, लेकिन हम ये हम नहीं बोले आपकी हैं कि बात हम बांटेंगे से, और ये नहीं बांटेंगे, डिसीजन ऋचा, हम हमने आपकी लिए है बात से 100%। सहमत हैं। आप कह रही हैं आपको आपकी पोस्ट में खामी नहीं लगती, आप सजा मानने से मना भी नहीं कर रही हैं, लेकिन टीवी चैनल्स को आपने कहा कि आप कुरान नहीं बांटेंगे, उसके बाद ही ये मामला खड़ा हुआ ना, आपने खुद एफआईआर नहीं की किसी पर, आपको अपनी बातों में कोई कमी नहीं लगती, आपको नहीं लगता आपने गलती की है? आपत्ति किस बात पर आपत्ति है? है कि जो मुझसे कार्रवाई हुई है बिना जांच की हुई है और बेवजह हुई है, मेरा ऐसा पोस्ट नहीं है कि हाँ लोगों को ठेस पहुंचा सकता है, किसी की भावना को आहत कर सकता है, चलिए आखिरी चीज पूछ रहे हैं, ये कुरान की नॉर्मल पोस्ट है, ये जगह सब करना आपसे कह दें गीता बांटो तो बांट देंगी? वैसा क्यों करेंगे, हम गीता क्यों बंटवाएंगे, हमसे फैसला दूसरे के पक्ष में उनको देना है ना।